बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के असाइनमेंट की, और मैंने आपको उसका कल वीडियो बना के दिया था और टाइम मेरे पास कम था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसका वीडियो अब कल बनाऊंगा, तो मैं अपना वादा पूरा करते हुए आपके सामने आ चुका हूँ और मैं सॉल्यूशन भी ले आया हूँ आपके सामने। तो मैंने इसके लिए चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट के 5-5 नंबर हैं और इसमें कोई गलती की संभावना भी ना के बराबर है। तो आप ये पार्ट कर दोगे तो आपके 15 नंबर मुझे लगता है आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा चांस है नंबर स्कोर करने का, ईजी क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहले ए पार्ट करेंगे, फिर हम बात करेंगे बी और सी पार्ट की, जो मैं आपको दिखाता हूँ सब यहीं पर। पढ़ लो, पहले का ये पार्ट हम कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैव मेड मैनेजमेंट टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले आपको बतानी है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हम बात करेंगे कि लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फिर हम बात करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस हो गई, क्योंकि जो कमियाँ हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है। तो इसका आंसर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये आपका पेपर शुरू ऐसे होगा। बात करेंगे पहले डिफरेंस की और फिर डिफाइन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग को और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। क्वेश्चन 5 नंबर का है, बहुत ब्रीफ में डिफाइन करना है, फिर हम बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपके सामने आ गए हैं यहाँ पे, तो ये डिफरेंस आप लिखते जाएंगे, फिर हम बात करेंगे इसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस, और आखिर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ए पार्ट, वो यहाँ पर आराम से पूरा हो जाएगा। आप फोटो खींच लो, वीडियो को स्लो चला दो, साफ साफ आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। फिर आगे हम लिखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं। और फिर हम आ जाएंगे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, जो कि आपको लिख देनी है ब्रीफ के अंदर, बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इनको। क्वेश्चन 5 नंबर का है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं ब्रीफ के अंदर। अब जो हमारा सेकंड आंसर है, देखो यहाँ मिलता है आपको, दिखाई देगा यहाँ पे कि जो पीएल शो करता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है और इस कारण से कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस आती है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस अराइज होती है, और बिल्कुल वही आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली राइट आंसर है कि इस कारण से आपकी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिखा भी है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ एमर्ज मेनली बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो कौन सी लिमिटेशन है, ये सारी, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ये ए पार्ट हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन में कम्प्लीट लगभग हो जाएगा। ये सारा आपको लिखना है, बहुत ज़रूरी है, ये यही में फोकस करना है 5 नंबर के लिए। ठीक है, ये रहा, थोड़ा और बड़ा लिखना चाहते हैं आंसर तो आप थोड़ा इसको भी ऐड कर सकते हैं, वरना वहाँ तक काफ़ी रहेगा। वरना आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि फॉलोइंग लिमिटेशंस कॉजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सारी जो है थोड़ी ही ब्रीफ में 5-6 लाइनें आप ये ऐड कर देंगे, तो आपका 5 पॉइंट काफ़ी रहेंगे इसके अंदर। तो यहाँ तक आप ख़त्म करेंगे पहला आंसर फर्स्ट ए का, ठीक है। अब चलते हैं आगे बी पार्ट, ये है बी पार्ट आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ABC एनालिसिस। सिंपल सा बात कर रहा है, ABC एनालिसिस क्या है, तो दिखा देता हूँ उसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत, तो पहले आपको उसमें ये डायग्राम या पिक्चर बोल सकते हैं इसको बनाना है, क्योंकि असाइनमेंट है, अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, तो कलरफुल भी आप उसको बना सकते हैं। तो ये आप ABC एनालिसिस की ये फ़ोटो लगा देंगे या इस पिक्चर को बना देंगे, तो आपको थोड़ा नंबर अच्छे मिलेंगे और ब्रीफ में दिखा भी रहा है कि ABC क्या होता है। आप ले देंगे इसके बारे में, तो ये आंसर जो मैंने ढूंढा है आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये इन्वेंट्री एनालिसिस का हमारा पार्ट है। तो ये फॉरेन ऑथर का ने लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा है ये, तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम आता है आपका ABC एनालिसिस। तो आप ये लिख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा आंसर मुझे लगता है जो कि है, ठीक है। ये ABC एनालिसिस है, फ़ोटो आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, वरना आप वो डायग्राम दिखाया था वो भी आप बना सकते हो, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पर उन्होंने, पर्यटों के बारे में लिख दिया है इसके अंदर, तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है, ये आपको देखनी है, ये काफ़ी अच्छा आंसर है।
तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। आराम से देख लीजिए, ये पूरा लिखेंगे, आपको एग्जांपल भी लिखना है इसका, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एग्जांपल भी देना अच्छा रहता है। नंबर ना कटे असाइनमेंट है, टाइम बहुत है हमारे पास लिखने के लिए, जितना लिखेंगे उतने नंबर ना कटेंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और ये आप चाहो तो टेबल बना सकते हो एक्सेल के अंदर, नहीं तो छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप छोड़ भी सकते हो उसको, ठीक है। इसको आप यहाँ से लिख देना, इसके बाद सारा का सारा मटेरियल आपको लिखना है, बस ठीक है। तो ये आपका रिवीजन एसेस मैंने पूरा कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ थर्ड पार्ट पे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व किया मैंने आपके लिए बिल्कुल साफ साफ, इजी लेवल का तो है ये थोड़ा, तो अच्छे नंबर मिलेंगे, 5 नंबर हैं, 4 चीज़ पूछ रखी हैं, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी पार्ट पर चलते हैं इसके। अब सबसे पहले आपसे पूछा गया है रीऑर्डर लेवल, तो आपको लिखना है फार्मूला, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये आपका फार्मूला है और ये गिवन वैल्यू फिगर्स हैं आपको 406, तो आपका 2400 आ गया आपका रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो ये है फार्मूला इसका, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। रीऑर्डर लेवल हमने भी निकाला था 2400 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है 1500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका 2900 आ गया। फिर आपसे मांगा गया है रीऑर्डर के बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फार्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर लेवल। 2400 आपका रीऑर्डर लेवल है, नॉर्मल कंजम्पशन आपका 300 है और नॉर्मल रीऑर्डर लेवल आपका 5 है, ठीक है। तो ये आपका 900 आ गया। अब लास्ट बचता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल, ये रहा आपका एवरेज स्टॉक लेवल, दैट इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। ये हमने निकाला है अभी मिनिमम स्टॉक लेवल 900 यूनिट्स और आर ओ क्यू गिवन था आपको कितना 1500, उसका हाफ यानी 750 आपने ऐड किया, आंसर 1650। तो ये पूरा आंसर आया आपका, तो ये आपको लिखना है इसी ऑर्डर में, पहले आपको दिखाना है रीऑर्डर लेवल, फिर आपको दिखाना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फिर आपको दिखाना है मिनिमम स्टॉक लेवल, उसके बाद ही निकलेगा एवरेज स्टॉक लेवल। मैं टीचर हूँ, मैं आगे पीछे निकाले कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ऐसे दिखाना है, पहले रीऑर्डर, उसके बाद मैक्सिमम, फिर आपको मिनिमम और लास्ट में एवरेज स्टॉक लेवल। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, इसमें आपको निकालनी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वाला भी। तो पहले हम जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे, हम निकालेंगे एनुअल कंजम्पशन। कैसे निकालते हैं एनुअल कंजम्पशन आपका, आपको दे रखा क्वार्टरली कंजम्पशन 2000 की यूनिट्स और 4 आपके क्वार्टर होते हैं, तो आपका आ गया 8000 यूनिट्स। फिर आपसे वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग आपकी 80% है और कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग आपकी 50 है, तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग जो हमारी होती है उसको सी बोलते हैं, वो है आपकी 50, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। और कैरिंग कॉस्ट निकाल ली 80% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो 80/100 ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, यानी 80/100 × 40। तो ये आपके ए ओ और सी जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं ईओ क्यू के, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिए। तो ये कितना आ रहा है देख लो इसको भी, ये आ गया आपका 32 रुपीज़, ठीक है। तो आपकी जो मेन चीज़ है 8000 आपका ए आ गया, वो आ गया आपका इसके अंदर 50 रुपीज़, ये दे रखा है, वो गिवन है आपको। और जो कैरिंग कॉस्ट है सी, ये आपका 32 रुपीज़ है ना। कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर को ओ लिख लेना, मैंने सी लिख दिया गलती से, वो ओ है और कैरिंग कॉस्ट सी है, ठीक है। अब हमें लगा देना फार्मूला ये वाला, ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2AO/H, यानी 2 एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। तो ये है आप, तो अब हम आ गए हैं ई ओ क्यू पे, ये आ गया आपका ई ओ क्यू इज इक्वल टू 25000 अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 158 यूनिट्स। उसके बाद अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन एन ईयर, तो एक साल में हमारे कितने ऑर्डर आएंगे। फिर बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन एन ईयर की, तो आपके 8000 ऑर्डर वो है यूनिट्स हैं जो एक साल में आपको चाहिए और 158 आपकी ई ओ क्यू है, डिवाइड करेंगे 50.63 इक्वल टू 51 ऑर्डर। और लास्ट पार्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ क्वार्टर, तो 51 ऑर्डर एक साल के अंदर, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 51/4 12.75 और 13 ऑर्डर्स इन टोटल। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।